से स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो गाइज़ हमारा व्लॉग जो है थोड़ा अलग है। हमारा व्लॉग कभी भी चालू हो जाता है जब भी ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है। तो गाइज पीछे आप लोग देख रहे हैं हमारे बैठे हैं जिया जी, और अभी हम लोग आए हुए हैं हेयर सैलून में एक भैया के पास, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा एक साइड बिजनेस चलता है भाई, जो कि हमारा जिया जी का है। इनका बिजनेस जो है वो वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन का है। तो अभी हम लोग जो देख सकते हैं, मैं अभी सैलून में बैठा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो एक बढ़िया डिज़ाइन का वॉलपेपर जो है वो भैया लगवा रहे हैं। तो उसी का एक छोटा सा व्लॉग जो है हम लोग शूट कर रहे हैं। देखिए जीजा जी थोड़ा हाय हेलो कर दीजिए अपने फैमिली को। तो गाइस गुड इवनिंग हो गया भाई। और ये रहा विकास, जो कि वीडियो में अक्सर डांस करते हुए या एक छोटा मोटा रोल करते हुए दिखाई दे जाता है, जो कि हमारे व्लॉग में थोड़ा चार चांद लगाता है। विकास देखना इधर, ये देखो गाइस। तो गाइज ये आज है यहाँ का मिस्त्री, और ये भैया है जिनका शॉप है। विकास जो है हम पे ऑर्डर मार रहा है, हमको कह रहा है केमिकल लगाओ रेडी रखो। ये मिस्त्री बन गया तो थोड़ा स्टाइल मार रहा है। देखिए गाइज माल ये बन गया है, ये कुछ केमिकल है और यही लगेगा उस वॉलपेपर। कहाँ गया वॉलपेपर? तो गाइज ये है वॉलपेपर, ये देख सकते हैं आप। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं सामने, ये ही है हमारा जो मेन काम है। और ये देख सकते हैं छोटा मोटा डिजाइन का जो भी, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, ये भी हमारा लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया है। और बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। हाँ तो अपना काम कर। और ये देखिए भैया भी कुछ हेल्प कर दे रहे हैं विकास का थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ये विकास बहुत बड़ा आदमी है यहाँ का, है कि नहीं भैया? ये माल पता नहीं पहले कैसा दिख रहा था, आप देखो कि घोलने के बाद कुछ अच्छा दिख रहा है। नहीं लंबा है, उसमें चल सकते हैं साइड वाले पे, नहीं उतना तो वजन भी नहीं संभालेगा। वो रैक पे है मालिक, उस रैक पे खड़ा हो सकते नहीं ना? एक और लेना है, ले आइए। हाँ ले आइए। All you left me was a radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. गाइज मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी मतलब छोटा सा सैलून है, लेकिन काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा भैया ने। और है ना जिया जी? जिया जी भाई अपने अलग ही स्वैग में रहते हैं, कैची वाले दुकान है। हाँ, खचाखच तो अपना भी थोड़ा बहुत हो जाता है भाई, थोड़ा बहुत अपना भी से हो जाता है। खैर दाढ़ी वाड़ी तो है नहीं, तो थोड़ा खर्चा बच जाता है, लेकिन कटिंग वगैरह जो है वो हम लोग करवा लेते हैं, तो डिस्काउंट हो जाता है मतलब, और कभी कभी तो फ्री में भी काम चल जाता है भाई। अपना ही दुकान है जिया जी, क्यों अपना जी थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, पूरा डिस्काउंट हो जाता है। तो भाई अपना लगता नहीं, दाढ़ी वगैरह तो कुछ खर्चा है नहीं। जब मन में आया तब आके भाई यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो उसके बाद फिर अपना काम हो जाता है जी। जो है वो फुल टसन में रहते हैं, एकदम हाथ में एकदम वॉच वगैरह। वॉच दिखाना ज़रा, कौन सी कंपनी का है? एच एम टी भाई, क्या बात है भाई। जीजा जी का घड़ी भी एकदम मतलब खतरनाक, और कंपनी ब्रांड लेते हैं भाई ये। 23,000 रुपये का। और ये थोड़ा दिखाना, ये क्या बनवा रखा है? टैटू, ये भोलेनाथ नाग देवता है। ये देखो भाई, नाग देवता भोलेनाथ वगैरह कुछ इन्होंने टैटू बनवा रखा है, क्योंकि आप लोग को पता होगा अगर वीडियो देखा हो तो ये भोलेनाथ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, है कि नहीं जी? भाई इनके बारे में तो कुछ सुन नहीं सकते वो। पहले की वीडियो में भाई बॉबी कटारी के बारे में बोला, जो भोलेनाथ के लिए के मतलब वहाँ पे जा करके, कहाँ पे कौन सी जगह गया था? नहीं भोलेनाथ के हरिद्वार में या ऋषिकेश, मतलब इधर ही कहीं जाके उसने मतलब कुछ दारू वगैरह पी लिया था, तो उसके बारे में जिया जी भड़क गए थे काफ़ी ज़्यादा भाई। फोन में नज़र आ रहा है, एकदम कर दिया रेडी, अब ये चिपकने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। गाइस इधर जिया जी कर रहे हैं अपना काम, जिया जी हंस रहे हैं। इधर भैया देखिए चंपी कर रहे हैं अंकल का, चंपी कर रहे हैं। और विकास जी हैं वो वॉलपेपर लगा रहे हैं। ये देखिए गाइस इतना कंप्लीट हो चुका है, अभी इतना और दिख रहा नीचे से, ये भी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में।
जिया जी भी लग रहे एकदम धाकड़ स्टाइल में है ना, और विकास भी लग रहा है करने में। ये धाकड़ स्टाइल में नहीं लग रहा है। कौन सा विकास? विकास विकास भी लग रहा है, लेकिन सर आप वाला अंदाज तो अलग ही है, क्योंकि खिलाड़ी खिलाड़ी होता है कि नहीं। ये सोच रहा मेरे बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है विकास, बेइज्जती नहीं कर रहा भाई मैं। बेइज्जती किसका होता है चीजें बताएंगे। जिसकी इज्जत हो, जिसकी इज्जत हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि तेरी इज्जत नहीं है फिर। नहीं हमारे सामने क्या इज्जत है इसकी? हाँ बात तो ये सही है भाई, हेल्पर बना दिया यार। अरे 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 ये क्या कर रहा है भाई? विकास कह रहा है, विकास बोल रहा है कि यार ये हेल्पर काम करनी भाई, हेल्पर बना दिया देख लो। हमने उल्टे बना, हाँ लेके खड़ा हूँ मैं, ठीक है हेल्पर है और वो मिस्त्री है भाई, एक मिस्त्री है रे। अरे अरे क्या बोल रहा है? अच्छा इसमें डालना तमीज से, तमीज से, अपने सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी मैं अपने अवकाश भूल गया एक्चुअली, आई एम अ वर्कर। तो बोलता क्यों नहीं है? हेल्पर को सर पे चढ़ा के रखेगा तू भाई? सर भाई मैं इसका मामा हूँ, ठीक है विकास का। अरे तो मामा कोई काम में मामा दामा नहीं है अभी। हाँ काम में मामा मामा नहीं है, मेरे को कह रही है ये वर्कर काम नहीं कर रहा, चेंज करना है। चेंज करना है, चेंज चेंज करेगा इसके, इतनी मुक्की पड़ेगी ना यहाँ पे। अच्छा तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी बस अब निकलने की तैयारी में है। थोड़ा पेप्सी पीकर फिर आराम से निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा और जिया जी का काम पसंद आया, विकास का काम पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक शेयर करना तो बनता है भाई। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।